हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्प्लैश स्क्रीन के बारे में। स्प्लैश स्क्रीन वो होता है जो किसी भी ऐप के स्टार्ट होने से पहले 2 या 3 सेकंड के लिए अपीयर होता है, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाता है। तो अगर आप अपने एंड्रॉयड ऐप में स्प्लैश स्क्रीन को लगाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्प्लैश स्क्रीन को अपने ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही मैं इस पूरे ट्यूटोरियल की सोर्स कोड भी देने वाला हूँ, जिससे कि आपको ऐप डेवलपमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे स्प्लैश स्क्रीन को अपने एंड्रॉयड ऐप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन वाले प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एंड्रॉयड स्टूडियो को। फिर क्लिक करें स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, सेलेक्ट करें एम्प्टी एक्टिविटी को, फिर नेक्स्ट, अपने एप्लीकेशन का नाम दें स्प्लैश एप्ली और मैं इसे फिनिश करता हूँ। प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है, ये रहा मेन एक्टिविटी का फाइल। जैसा कि आपको पता है स्प्लैश स्क्रीन जो होता है वो ऐप के स्टार्ट होने के बस 2 या 3 सेकंड तक यूज़र को दिखता है, उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो मेन एक्टिविटी की तरफ आ जाता है। इसलिए मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी और क्रिएट करूँगा, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका नाम ले लेता हूँ स्प्लैश एक्टिविटी। ये रहा स्प्लैश एक्टिविटी, अभी हमारा लॉन्चर एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी। तो मैं क्या करता हूँ कि लॉन्चर एक्टिविटी को चेंज कर लेता हूँ। ये रहा लॉन्चर एक्टिविटी जो कि है मेन एक्टिविटी, तो मैं यहाँ से मेन एक्टिविटी को कट करूँगा और यहाँ से स्प्लैश एक्टिविटी को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अब स्प्लैश एक्टिविटी लॉन्चर एक्टिविटी हो गया है। ऐप स्टार्ट होते के साथ स्प्लैश एक्टिविटी सबसे पहले आएगा और उसके बाद हम उसे जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे 2 ही एक्टिविटीज़ हैं, एक तो स्प्लैश दूसरा मेन, तो मैं स्प्लैश से स्टार्ट करूँगा और मेन की तरफ ले जाऊँगा। स्प्लैश स्क्रीन को होल्ड पे रखने के लिए मैं थ्रेड का यूज़ करने वाला हूँ, तो थ्रेड का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ रन मेथड का और इसे होल्ड करने के लिए मैं लगाने वाला हूँ स्लिप। तो स्लिप को हैंडल करने के लिए ट्राई कैच का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड इक्वेलेंट है 2 सेकंड्स के, तो अगर मुझे स्प्लैश एक्टिविटी को 3 सेकंड्स के लिए होल्ड पे रखना है तो मैं यहाँ पे 3000 मिली सेकेंड लिखूंगा और फिर मैं इस कंट्रोल को ले जाऊंगा मेन एक्टिविटी की तरफ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा इंटेंट का, इंटेंट न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट क्लास स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। जब मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ तो ये एक्सेप्शन देता है, ये यहाँ पे एक एरर आता है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन java.lang.interrupted exception। तो मैं यहाँ पे इंटरप्टेड एक्सेप्शन को लिख लेता हूँ और जैसे ही यहाँ पे थ्रेड खत्म होता है वहाँ पे मैं थ्रेड के ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ, थ्रेड डॉट स्टार्ट। अब हमारा ये स्प्लैश एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वो रेडी हो चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा इसके XML के पास। ये XML है, अभी इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ, तो उसके लिए मैं जाता हूँ pixabay.com पे। यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड इमेज सर्च करता हूँ, इस इमेज को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा इमेज है बैकग्राउंड, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे रिसोर्सेज ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये आ चुका है और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड का यूज़ कर लूँगा, बैकग्राउंड ड्रॉएबल बैकग्राउंड। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा स्प्लैश स्क्रीन सही से काम कर रहा है या नहीं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको इसके सोर्स कोड के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा trickweb.com पे। यहाँ पे आपको जाना है व्यू पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के नीचे अब जब आप स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्प्लैश स्क्रीन का सोर्स कोड। ये रहा सोर्स कोड, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। हमारा इमुलेटर अब स्टार्ट हो रहा है। ये रहा सोर्स कोड, मैं इसे डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये 3 सेकंड के लिए स्प्लैश स्क्रीन आया, फिर उसके बाद मेन एक्टिविटी आ रहा है। मैं इसे फिर से रन करता हूँ, ये 3 सेकंड्स के लिए स्प्लैश स्क्रीन आया, फिर ये ऑटोमेटिकली मेन एक्टिविटी पे चला रहा। तो हमारा ये स्प्लैश स्क्रीन वाला एप्लीकेशन अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए वापस देख लेते हैं सोर्स कोड को। जैसा कि मैंने बताया, आपको सोर्स कोड के लिए जाना है trickweb पे, पोर्टफोलियो प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे नीचे में आने के बाद आपको ये वाला फाइल स्प्लैश स्क्रीन को का सोर्स कोड को डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ फाइल आ जाएगा और जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करोगे, मैं इसे यहीं पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो आपको मिलता है स्प्लैश एक्टिविटी का XML मैनिफेस्ट और स्प्लैश एक्टिविटी का जावा फाइल। जावा फाइल के अंदर आप पूरा कोड को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हमने स्प्लैश स्क्रीन को अपने एंड्रॉयड ऐप में इम्प्लीमेंट किया और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कोडिंग मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे याद से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम फ्यूचर में भी आपको ऐसी सोर्स कोड देते रहेंगे। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।